सलमान खान के घर पर फायरिंग के केस में पुलिस का दावा सामने आया कि उनको मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान से AK-47 जैसी गन भी मंगवाने की बात चल रही थी। इसी के साथ साथ एक ऐसी पिस्तौल है जिससे सिद्धू मूसेवाले को मारा गया था, वह पिस्तौल भी मंगवाने की बात चल रही थी। लेकिन अब इन सबका खुलासा हो चुका है और एक के बाद एक कड़ियां भी जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो हाल फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सीधा दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। एक्टर सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह आरोपी सलमान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से AK-47 राइफल, AK-92 राइफल और M16 राइफल खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जिगाना पिस्तौल भी मंगवाने की कोशिश की, जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। वहीं 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग नवी मुंबई पुलिस ने 24 अप्रैल को लॉरेंस गैंग के 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जो पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इन आरोपियों की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहाई, वासपी खान उर्फ वसीम चिकना और जिशान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर हुई है। मामले में 5वें आरोपी को पुलिस ने 3 जून को हरियाणा से पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस, उसके भाई अनमोल, गोल्डी बराड़ समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।